स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए जो जन आधार कार्ड ई वॉलेट लॉन्च किया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तभी जो है सरकार आपके जो है ई वॉलेट में 6800 रुपए डालने वाली है और आपको मोबाइल मिलने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, साथ ही साथ पूरा प्रोसेस क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का, कब रजिस्ट्रेशन करना है, किसके नाम से यह रजिस्ट्रेशन करा जाएगा और बिना रजिस्ट्रेशन के आपको यह फोन नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और हमें फोन नहीं लेना, तो आपको क्या करना है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पूरी जानकारी मैं आज आपको वीडियो में देने वाला हूं। पहले आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से जो है जन आधार कार्ड ई वॉलेट ऐप जो है डाउनलोड कर देना है। उसके बाद जैसे ही आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस करना है। ऐप ओपन हो जाएगा, कुछ परमिशन मांगेगा, आपकी लोकेशन मांगेगा, वो आपको जो है अलाउ कर देना है एक्सेप्ट करके। उसके बाद जो है आपकी लोकेशन अलाउ मांगेगा, ये सब चीजें आपको अलाउ कर देनी है। बाद में जो है इंटरफेस खुल जाएगा, सिटीजन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपके जन आधार कार्ड की महिला मुखिया के प्रोफाइल में मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी जो आपके जन आधार कार्ड में महिला मुखिया के मोबाइल नंबर है वो डालना है, उस पर ओटीपी आएगा, उसके बाद जो है आपको उस पर रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद जो है आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा, तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे, पहला जन आधार कार्ड आ रहा है, उसके बाद आधार कार्ड आ रहा है और उसके बाद मोबाइल नंबर आ रहा है। तो आपको अपना जन आधार कार्ड नंबर वहां पर फिल करना है, उसके बाद आधार कार्ड फिल करना है महिला मुखिया का जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसका आपने मोबाइल नंबर डाला है। ये सब चीजें जो है करने के बाद आपको प्रोसेस के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई करना है। ओटीपी जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो है आपके सामने नया जो है इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यानी नई विंडो जो है आपके सामने खुलकर आ जाएगी। इस पर आपके सामने आपकी सारी डिटेल शो कर देगा, आपका जो है मोबाइल नंबर शो कर देगा, आपका जन आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, नाम, आपका जो है जन्मतिथि और मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस शो कर देगा। उसके बाद जो है आपको कंफर्म के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रिएट ए पिन मांग रहा है। जैसे हम अपन गूगल पे और फोन पे वगैरह में जो हम पिन डालते हैं अक्षरों का, वैसे आपको एक पिन डालना है जो कि आपको याद रहे और उसे जो है आपको कंफर्म कर देना है पिन पर। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना है, यहां मोबाइल नंबर डालकर आपको जो है लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर फिर आपके मोबाइल पर जो है ओटीपी जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था। ओटीपी आने के बाद आप जो है इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई जैसे ओटीपी डालेंगे उसके बाद आपका पिन मांगेगा, जो चार अक्षरों का आपने पिन डाला था। पिन डालकर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप जो है इसमें आप जो है वॉलेट से जो है पैसे भी ऐड कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रिक बिल भर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल, गैस सिलेंडर, बहुत से काम जो है आप इसमें कर सकते हैं। ये तो होगा इसका इंस्टॉलिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं आपको ये फोन जो है ऐप कब इंस्टॉल करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, आप जैसा कि सरकार आपके इस वॉलेट में पैसे कब डालेगी, देखिए जब आप कैंप में जाएंगे और मोबाइल वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, उसके बाद जो है आपके नाम से जो आप सिम ले लेंगे और उसके बाद जो है इस मोबाइल जो है कंपनी वहीं पर ये ऐप जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल करेगी। उसके बाद जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल होगा, आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, जो है सिम ले ली जाएगी, तो तुरंत सरकार जो है आपके ई वॉलेट में जो है पैसे ट्रांसफर कर लेगी और वहीं से जो है कंपनी जो है वो पैसे अपने पेमेंट कर लेगी, यानी आपके ई वॉलेट से कंपनी वहीं पेमेंट कर लेगी कैंप में। तो ये जो ऐप है आपको कैंप में ही इंस्टॉल किया जाएगा, महिला मुखिया के नाम से इंस्टॉल होगा। उनका जन आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको लेके जाना है क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक अपडेट किया जाएगा, केवाईसी की जाएगी, उसके बाद सरकार ये पैसे आपके डालने वाली और कंपनी इसी से पेमेंट कर लेगी अपने 6800 रुपए। तो ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन इसका रहने वाला है और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके नाम से आप फोन ले रहे हैं, जो जन आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है, उसी से रजिस्ट्रेशन होगा महिला मुखिया के नाम से। तो ये रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य है, तभी जो है ई वॉलेट में आपके जो पैसे आएंगे और आपको फ्री मोबाइल मिलेगा। कुछ लोगों का सवाल ये था कि अगर हम रजिस्ट्रेशन कर ले, सरकार हमें पैसे डाल दे, उसके बाद हम मोबाइल ले लें, ऐसा नहीं होगा। जब वहां पर आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा कैंप में, तभी सरकार जो है पैसे डालेगी, उससे पहले सरकार आपके जो है ई वॉलेट में पैसे नहीं डालेगी। पूरी जानकारी मैंने आपको वीडियो में दे दी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।